हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आई होप कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा है कि COVID-19 इज गोइंग ऑन और स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। बट हमें कभी कभी एकदम से गुड न्यूज़ मिल जाती है कि वैक्सीन आ गई। बट जब हम सच में न्यूज़ देखते हैं और फिर हमें लगता है कि अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि भाई इतना टाइम हो गया, कब आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, वी डोंट नो। हमें अभी कुछ नहीं पता। बट जैसा कि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, वी आर वियरिंग मास्क, मास्क पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, तो इन सभी प्रिकॉशंस को यूज़ करते हुए हम अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि वी आर हेल्दी। और जब भी आपको किसी से बोलना हो कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, और उस केस में आपसे कोई पूछ ले कि हाउ आर यू डूइंग, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई होप कि आपका रिएक्शन अच्छा ही होगा, एंड आई विश कि आपका रिएक्शन अच्छा ही होना चाहिए। बट जब भी हमें लगता है कि हमें बोलना है कि आई एम हेल्दी, मुझे ना तो खांसी है और ना ही जुकाम है, अगर आपसे कोई पूछे इस टाइम में हाउ आर यू डूइंग, तो आपको खांसना बिल्कुल भी नहीं है और आपको छींकना तो सोचना भी नहीं है। अगर छींक आ भी रही है तो आप कहीं दूर चले जाइए, अपने आप ही क्राउड जहाँ पे देखें उससे थोड़ा सा दूर चले जाइए, ताकि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें, ताकि आप इस वायरस को स्प्रेड करने से रोक सकें। सो गाइज, आज हम एक नया सेंटेंस सीखने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आपको बताना है मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खांसी जुकाम नहीं है, तो आप बताएंगे आई एम ब्राइट, और आगे डैश लगा के आइड, आई एम ब्राइट आइड, आई एम ब्राइट आइड। सो गाइज, जैसा कि ये नया वर्ड है और मैंने पीछे बहुत सारी वीडियोस देखा और वीडियोस में देखा कि हर कोई बहुत सारे कॉमन सी चीज़ें सिखा रहा है और दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, बट मैंने सोचा कि मैं आपको एक नया सेंटेंस सिखाती हूँ। जब भी आपको लगता है कि यू आर हेल्दी, यू आर परफेक्टली फाइन, यू आर रेडी टू टॉक टू एनी बडी, तो आप बोल सकते हो आई एम ब्राइट आइड। ब्राइट आइड का मतलब होता है आप फ्रेश हैं, यू आर हेल्दी, यू आर फिट, यू आर मेंटली फिट, मतलब आपके अंदर फ्रेशनेस है, यू आर नॉट हैविंग एनी स्ट्रेस, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जो भी चीज़ें प्लान की हुई है सब उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आई एम ब्राइट आइड। ब्राइट आइड का मतलब मैं आपको अपने सेंस में बताती हूँ। ब्राइट आइड का मतलब होता है जब आंखों में चमक होना। आंखों में चमक तभी होती है जब हमें लगता है कि वी आर नॉट हैविंग टेंशन, हमारे पास सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अगेंस्ट हम टेंशन ले सकें। सो आई एम ब्राइट आइड। सो गाइज, अगर आपको बहुत सारे लोग, हो सकता हो यू आर वॉचिंग वीडियो और आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचे नहीं, इसका मतलब तो गलत है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप गूगल कर सकते हैं, जब भी आप गूगल करें तो आप लिख सकते हैं उस पर ब्राइट डैश आइड ईडियम। एक वर्ड होता है मैं ईडियम, मुहावरे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे IDIOM, ईडियम मीनिंग। आप पहले लिखेंगे ब्राइट डैश आइड, फिर उसके बाद लिखेंगे ईडियम, उसके बाद लिखेंगे मीनिंग, तो वो आपको बता देगा इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है फिट एंड हेल्दी, ठीक है? तो आप एक नया आज सेंटेंस सीख गए, आई एम ब्राइट आइड। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछेंगे हाउ आर यू टुडे, तो मैं आपको बताऊंगी आई एम ब्राइट आइड, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं क्लास की। जैसा कि कल आपने ये पढ़ लिया होगा लास्ट क्लास में, सो वी आर नॉट हैविंग दिस मच टाइम टू टीच यू सेपरेटली, तो वी जनरली क्लब द क्लासेस, हम लोग क्लब कर देते हैं क्लासेस को ताकि हम आपको ज़्यादा सिखा पाएँ। देखिए, आज इस क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ सो मच। जैसे कि हम अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मम्मा आई लव यू सो मच, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को मतलब इसका पता होगा, सो मच का मतलब होता है बहुत सारा। बट इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उन सब सेंटेंसेस में ही करें जो हमने सुने हैं, इनका यूज हम थोड़ा सा लिमिट से अलग भी कर सकते हैं। जैसा कि मुझे आपसे कहना है कि भाई क्यों इतना बोलता है, वाई डू यू स्पीक सो मच, इतना क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक सो मच, इतना क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट सो मच, आप इतनी ड्रिंक क्यों करते हो, क्यों अल्कोहल लेते हो भाई, क्यों दारू पीते हो इतनी, वाई डू यू ड्रिंक सो मच,
मतलब सो मच का मतलब हो गया बहुत सारा, बट जब आपको लगता हो कि एक लिमिट से ज्यादा कोई भी काम हो रहा है तो आप एक सरप्राइज में आ जाता है, भाई इतना क्यों करता है भाई, जब देखा कि ड्रिंक कर ली, जब देखा ड्रिंक कर ली, व्हाई डू यू ड्रिंक सो मच। उसके बाद व्हाई डू यू गो टू, कभी कभी हम ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं, जब हम नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये रोज स्टेशन जाता है, जॉब तो कर नहीं रहा है ये, तो फिर स्टेशन क्यों जाता है। तो इस तरीके के जब हमारे माइंड में सेंटेंसेस आते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई स्टेशन इतना क्यों जाता है, किसी से मिलने जाता है क्या। तो आप पूछेंगे उससे, व्हाई डू यू गो टू स्टेशन सो मच। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैम आप इतना पानी क्यों पीते हो, एक हमारा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेक वाटर सो मच। तो मैं बोलूंगी टेकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, भाई अगर पानी पीते हो तो इट इज गुड फॉर हेल्थ, हमें डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर सो मच हम कहीं पे भी यूज करते हैं, जहाँ पे भी आपको बोलना हो। जैसा कि आप बोल सकते हो कि भाई इतनी सफाई क्यों करता रहता है, जब देखो झाड़ू हाथ में रहती है, पोछा हाथ में रहता है, सुबह शाम दोपहर 3 बार सफाई करता है क्या। व्हाई डू यू क्लीन योर हाउस सो मच, इतना गंदा ही क्यों करते हो। अब आपको गंदे के लिए भी पूछना है, भाई अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो। व्हाई डू यू कीप योर हाउस डर्टी सो मच, इतना गंदा क्यों रखते हो। व्हाई डू यू कीप योर हाउस डर्टी सो मच, आप इतना म्यूजिक क्यों सुनते हो। व्हाई डू यू लिसन टू म्यूजिक सो मच, जब भी आपको पूछना हो ये काम इतना क्यों करते हो भाई, व्हाई, सबसे पहली चीज हमने व्हाई लगाया, किसी का भी रीजन पूछना कि आप क्यों करते हो, व्हाई। और जब हम कॉमन लाइफ की बात करें तो हमारा डू का स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पे हमने लास्ट में लगा दिया सो मच। ठीक है, आपने देखा कि मैम वीडियो तो बना रही है, वीडियो बनाते बनाते 10 बार 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 वॉच देख ली, फिर देख ली, फिर देख ली, तो आप बोलेंगे मैम इतनी घड़ी क्यों देखते हो आप, व्हाई डू यू लुक एट योर वॉच सो मच, व्हाई डू यू लुक एट योर वॉच सो मच, आप इतना क्यों इंग्लिश बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश सो मच। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये सो मच की क्लास समझ में आई होगी, आपने बहुत सारा नहीं सीखा बट यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं जो हमारे कॉमन सेंटेंसेस हैं, जो हम लोगों से बोलते हैं, भाई इतना क्यों खाता है, इतनी क्यों पीता है, इतना क्यों बोलता है, भाई इतना क्यों जाता है, बार बार मार्केट ही जाता रहता है क्या, इतना गेम क्यों खेलता है, व्हाई डू यू प्ले सो मच, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट सो मच। सो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपने कॉमन लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। सो इट इज एंड ऑफ द क्लास, सो गाइज वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू, समथिंग स्पेशल, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। आपको इन सेंटेंस को 10 टाइम्स ईच बोलना है, अगर आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हर सेंटेंस को 10 टाइम्स बोलिए, जिससे कि आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाए। जरूरी नहीं है हर क्लास में आपको बहुत सारा सीखना है, अपने अंदर बहुत सारा भर लेना है, कुछ क्लास में हमें कम सीखना है, हमें पीछे की प्रैक्टिस भी करनी है। सो आई हैव टू से बाय टू यू अगेन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।